हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केवी के ब्लॉग। हेलो जी, कैसे हो आप सब? और आज हम क्या करने जा रहे हैं काजल? अब इतनी ठंड का मौसम चल रहा है, अगर साग वाला मटन ना खाया तो क्या खाया, तो इसलिए आज आज हम साग वाला, साग पालक वाला। हाँ। आज आपको मटन बना के दिखाएगी काजल कि कैसे साग पालक वाला मटन बनता है, और इसकी तैयारी दिखाता हूँ इसने कैसे कर रखी। हाँ जी बताइए, क्या क्या आप इसके अंदर डालेंगी? हमने बनाना है साग या पालक, इसको नाम वैसे साग वाला मटन कहते हैं लेकिन डलती इसमें सिर्फ पालक है। ठीक है, तो ये मेरा 800 ग्राम तो ये मटन है। मटन लिया आपने 800 ग्राम? हाँ, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख दिया है। ठीक, आधा किलो पालक है। पालक के पत्ते तोड़ के अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। ठीक है, ठीक है, पालक हो गई आधा किलो। तीन बड़े बड़े प्याज लिए, तीन टमाटर लिए। ठीक है, ठीक है, अदरक लहसुन है जो मैंने कूट लिया घर पे। ठीक है, और ये सूखे मसाले हैं, ये डलेंगे। ये 2 चम्मच के करीब मटन मसाला है। ठीक है, ये डलेगा। ठीक है, इसमें दही जाती है कम से कम 1 कटोरी से थोड़ी सी कम, मतलब लगभग 1 छोटी कटोरी हो गई। ये है सबसे पहला स्टेप है हमारा। सिर्फ पालक को अभी हमने ब्लांच करना है। 2 गिलास मैंने पानी लिया पतीले में, उसमें ये पालक डाल दी। पालक को अच्छी तरह मैंने धो लिया था, टंडियां सारी तोड़ ली थी मैंने इसकी। इसका रंग एज इट इज रहे ग्रीन का ग्रीन, इसमें सिर्फ मैंने आधी से भी थोड़ी सी कम चीनी डाल दी, बिल्कुल मतलब समझ लो 10 दाने गिनती के चीनी के डाल दी। इससे कलर इसका ऐसे रहेगा, एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। पालक काली पड़ जाती है ना बॉइल करके, इसको सिर्फ मैंने 5 से 6 मिनट इसको बॉईल करना है गरम पानी के अंदर, जब तक पालक हो रही है हमारी, जब तक मैं प्याज को लंबा लंबा रख नहीं काट लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे लंबा लंबा प्याज ही काटना है। 3 प्याज हैं, 5 से 7 मिनट हो जाएंगे ना इसको, तो ठंडा पानी लेना है हमने पैन के अंदर। अच्छा, फटाफट से इसमें से निकाल कर इसमें डाल देना है। ठीक है, ठंडे पानी में डालनी है। अगर प्रॉपर गर्मी होती, प्रॉपर गर्मी होती तो मेरे को बर्फ के टुकड़े डालने पड़ते इस पानी के अंदर। अच्छा, हाँ, इसका इसका क्या फायदा है? इसका फायदा भी ये, पालक देखो अभी तक हरी की हरी पड़ी है, नहीं तो उबालने के साथ ही पालक का रंग काला पड़ जाता है। अच्छा, इसका कलर नहीं छोड़ेगा मतलब? नहीं, कलर कम जाएगा। हम पेस्ट बना लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, बनाइए पेस्ट। का पेस्ट तैयार हो चुका है, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया इसका। ठीक है ना, अब इसको हम साइड में करके छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया सब्जी बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। सामान मैंने सारा बता दिया था, कितने प्याज हैं, 3 प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, और हमारा 800 ग्राम के करीब मटन है। इसके अकॉर्डिंग हम 1 कटोरी छोटी भर के सरसों का तेल ले रहे हैं। ठीक है, चाहे तो आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम सरसों का तेल यूज करते हैं तो वो ही ले रहे हैं हम इसमें सरसों का तेल, इसमें तेल ज्यादा जाता है। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, आधा एक मिनट लगेगा। स्लो पे मैं तेल गरम कर रही हूँ। जो दही का हमारा स्टेप है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी जो दही है 1 कटोरी, इसमें मैं 2 चम्मच सूखा धनिया डाल के ना इसको छोड़ दूंगी। ये क्या करेगा सूखा धनिया, क्या करेगा? ऐसा है ना, दही को हम खाली इसमें डाल देंगे ना अगर, तो दही फट जाएगी। अच्छा, दही फटने का खतरा रहता है? हाँ, दही फट जाएगी, तो मैं इसको, इसका ये मिक्सचर बन गया। अच्छा, ठीक है, हमारा तेल गरम हो गया, मैंने गैस कर दिया बंद, कहीं तेल ज्यादा ना जल जाए। मैंने इसमें डाल दिया 2 तेज पत्ता। ठीक है, ठीक है, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का। तेल हमारा ठंडा थोड़ा सा हो चुका है। 3 लौंग, ठीक है, और 4 से 5 मेरी काली मिर्च है। ठीक है, ठीक है, छोटी इलायची भी है? छोटी इलायची है, और ये हमारी मोटी इलायची है। सारा काम इसी का खड़े मसालों का है। खड़े मसाले जरूरी है मतलब इसके अंदर? हाई पे कर देंगे। हाई पे? हाँ, मतलब मीडियम पे कर देंगे। हाँ, ठीक है, हाई मीडियम, मतलब अभी हमें गैस को कभी ऐसे कभी वैसे करते ही रहना है बस, 1-1.5 घंटे तक। ठीक है, और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैंने सब्जी में इतना सारा तेल यूज क्यों किया, ठीक है ना, ऐसा तेल मैंने इसलिए ज्यादा यूज किया, एक तो प्याज भी भुनना है, दूसरा मटन भी भुनना है, इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से भुनने के लिए, फ्राई करने के लिए हमें ज्यादा तेल की जरूरत है। और कभी कभी तेल ज्यादा खा भी लेंगे तो कुछ ऐसा हो नहीं जाता,
गैस को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया। ये हमारा ना प्याज देखो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, कहीं से पिंक है कहीं से गोल्डन है, ये देखो ना ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया बिल्कुल। बहुत अच्छा हो गया। तो इसी स्टेज पे हम अदरक लहसुन जो हमारा है कम से कम ये एक डेढ़ चम्मच के करीब है ये डाल देंगे। हाँ, और ये भी भुनेगा क्योंकि इसको भी अभी टाइम चाहिए। हाँ, इसको भी थोड़ा सा जैसे जैसे प्याज होगा ना वैसे वैसे ये भी भुन जाएगा। अब इसमें मैं अच्छा आ गया मगर मसाले डालूंगी, एक चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। हाँ, लाल मिर्च पाउडर। अब कितनी देर भूनना है इसको ऐसे? आंच बिल्कुल मध्यम है इस टाइम। मसाला हमारा हो गया, हल्दी अच्छा जो मिर्च डाली थी मैंने। ठीक है। मसाला दिखाओ अपना। देखो हाँ, मसाला तो बहुत बढ़िया आया है, कलर भी अच्छा आ गया इसका तो बहुत। तेल साइडों से छोड़ गया। जब तेल छोड़ जाए उसके बाद मटन डालना है। क्योंकि अभी प्याज अभी और भुनेगा जब मटन डालेगा, क्योंकि अभी तो इसको आधा 45 से 50 मिनट लगने हैं। ठीक है, मैंने ये मटन डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, पांच से सात मिनट हम इसको भुनेंगे। अच्छा, मटन डाल के जो प्याज की हमने मसाला सारा रेडी किया है ना। ठीक है, इसको भुनना है। कलर तो बहुत बढ़िया है। में छेद वाली लेनी है ताकि ऐसे ऐसे फ्लैट फ्लैट हो जाए, मतलब कि अपने आप सब्जी पीस हम उठा के इधर से उधर कर सकें। मटन में टाइम जाता है दोस्तों, सब्र रखना, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। साग वाला मटन सर्दियों में बेस्ट रहता है, सर्दी हो गर्मी हो, जो लोग नॉनवेज के शौकीन है वो जानते होंगे, किसी भी सीजन में खा सकते हैं। वैसे साग आता था लेकिन सर्दियों में है। इसी स्टेज पे हम मैं जो टमाटर तीन लिए थे उसको मैंने ऐसे एक टमाटर के दो आज बड़ा बड़ा टमाटर डालना है। हाँ, ये ऐसे ही डाल रहे हैं आज हम। इसका नया तरीका समझाओगे कुछ इसका मतलब है? नहीं, ऐसे ही डाल देंगे, ये अपने आप ही गल जाएगा बीच में। अच्छा, अब मेरे को नमक भी डालना है इसके संग ही, हम नमक डाल दिया। अच्छा, इस टमाटर के साथ ही आप नमक डाल दो। हाँ, क्योंकि अब टमाटर को भी गलाना है ना अच्छी तरह। पहले तो सिर्फ मैंने मटन को भून लिया है, उसके बाद चिकन निकलता है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा। अब इसको लिड लगाएंगे 5 मिनट। हाँ हाँ, इसको हिला तो दूं अच्छी तरह। हमारे को 7 से 8 मिनट हो गए हैं टमाटर डालने के बाद, हमने नमक डाला था और इसको कवर करके रख दिया था। एक बारी हम ना चेक कर लेंगे कि टमाटर की स्किन उतर रही है कि नहीं उतर रही है। ठीक है, हमने साबुत टमाटर इसीलिए डाली, इजीली उतर जाएगी स्किन इसकी। हाँ, स्किन बहुत अच्छे तरीके से उतर रही है इसकी तो। वेरी गुड। स्किन हटाने के बाद क्या करना है? स्किन हटाने के बाद ना टमाटर को साइड में कोने में ले जाएंगे और इसको ऐसे ऐसे फेंक देंगे, मतलब इसका पेस्ट बना देंगे अंदर ही, पता भी नहीं लगेगा टमाटर प्याज कहाँ गया। अच्छा, अभी तो बनने में बहुत टाइम लगना है। अच्छा, ये टमाटर इसके अंदर मैश हो जाएगा। मैश हो जाएगा। हाँ, गल तो गया, ये मैश हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बड़े पीस गए कहाँ, ये तो नजर ही नहीं आ रहे इसमें तो। बिल्कुल से मैश हो गए ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? नेक्स्ट स्टेप है इसका, जब हमारा टमाटर गल जाएगा हमने दही डाल देनी है इसके अंदर। अच्छा, इसी टाइम पे। ठीक है, इसके ऊपर दही डाल के ठीक है फिर भुनना है इसे। अभी फिर भुनना है इसको अभी। अच्छा, भुनना बार बार है इसको? वो तो भुनना तो है ही, मटन में तो बहुत टाइम जाता है, और पतीले में बना रहे हैं इसमें तो और ज्यादा टाइम चलना है। हाँ, नहीं सही। हाँ, कुकर में तो वैसे 7-5-7 सीटी में मटन बन जाता है हमारा, रेडी हो जाता है, लेकिन हम ये बनाई इसमें पतीले में रहे हैं, लेकिन मजेदार टेस्ट है। 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था ना। ठीक है, अब मैं इसको प्लेट हटाऊंगी और इसके अंदर 2 चम्मच जो मेरा मीट मसाला है ये। अच्छा, ये डालूंगी। ठीक है, डाली दही के संग। पालक अभी नहीं डालनी ना? पालक अभी नहीं डालनी, क्योंकि अगर हमने अभी पालक डाल दी तो पालक तो जल्दी बन के रेडी हो जाती है। अच्छा, 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाएगी पालक तो, लेकिन मटन तो हमारा सारा कच्चा है।
पहले हमने मटन को प्रॉपर कुक कर लेना है। जब इसमें 4-5% की कसर रह जाएगी ना, मतलब कि गलने वाला होगा, हड्डी छोड़ने वाला होगा, तब मैं पालक। अभी देखो हड्डी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी? नहीं नहीं अभी नहीं, पतीले में बन रहा है ये। नहीं अभी हड्डी नहीं छोड़ी, अभी गला नहीं है। अभी नहीं गला, अभी कैसे गला? मुझे मालूम है, अभी तो सिर्फ यही स्टेप हो रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने अभी पालक डाल दी, पालक तो बनके रेडी हो जाएगी, इसके अंदर मटन तो कच्चा का कच्चा ही रह जाएगा। पालक को सबसे एंड का स्टेप है पालक का, लेकिन बनाने का स्टेप पालक सबसे मैंने पहले ही कर दिया था। अच्छा, एक गिलास पानी को गरम करके डालना है? हाँ, कच्चा पानी नहीं डालते कभी भी सब्जी के अंदर, बनती सब्जी के अंदर। ठीक है, डालिए। ठीक है, ये ऑयल सारा देख लो कैसे सब्जी के ऊपर आ गया। अगर चिकन होता ना, इस स्टेज पे बन चुका होता अभी तक, मटन नहीं बनता, टाइम लगता। इसमें मैंने डाल दिया गरम पानी मटन को गलाने के लिए। मटन को गलाने के लिए अभी तो पालक का भी रहता है काम, लेकिन पहले मटन अच्छी तरह गल जाएगा ना, तो पालक को भी भुनना है अभी मैंने। हाँ भाई, चेक कर रहे हो सब्जी बन रही है नहीं बन रही? अभी मैं देख रहा हूँ। हाँ। अभी इसके अंदर ऐसा है कि अभी मटन को चेक करना पड़ता है कि मटन इसमें गला है कि नहीं। अच्छा चलो, हमें भी दिखाओ अब जरा सब्जी कैसे बन रही है। ये बहुत बढ़िया बना रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, तुमने पहले कहा कि ये पहले ही अपना नाम ले देंगे। हाँ, इससे पहले मैं ही ले दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही कह दूँ, क्योंकि तुमने हर डिश में अपना तो कहना ही होता है। अभी कितनी कसर, मतलब कि गलना शुरू हुआ? गलना शुरू हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया, हो गया। अब आप लोगों के लिए देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कि आपको साग वाला मीट बना के दिखा रहे हैं कि आप अपने घर में कैसे साग वाला मीट बना सकते हो और कैसे उसको आप टेस्ट कर सकते हो कि कितना बढ़िया मीट बना रहे हैं। ये है इजी, लेकिन बस टाइम। हाँ, टाइम चाहिए है इसके लिए, लेकिन है सब्जी इजी है बनाने के लिए, लेकिन हम पतीले में बना रहे हैं ना ये आज, तो इसलिए टाइम लेगा ये। अच्छा। और अगर हम यही कुकर में बनाते हैं ना इसको, तो ये अब तक रेडी हो चुका होता। अच्छा, लेकिन वही आ गई ना, भुनाई भुनाई करने में हर चीज में टाइम तो जाता ही है। टाइम तो बहुत लगता है, चिकन बहुत जल्दी बन जाता है। मटन के अंदर लगता है कम से कम 60 मिनट तो लगेंगे। एक घंटा पूरा 15 मिनट हो गए हमारे को रखे हुए। हम एक बार खोल के मैं देख लेती हूँ। ठीक है, खोल के देख लो। वाह, ये घी छोड़ दे इसका मतलब कि पानी सूख चुका है। हाँ, बहुत बढ़िया, तरी तरी रह गई, मसाला तरी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? पानी था वो भी निकल गया। अब मैं इस स्टेज पे जब हमारे मटन हमारा समझ लो 70% पूरा प्रॉपर गला नहीं है मटन, मटन को अभी भी 15-20 मिनट जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें पालक डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था। फिर उसके बाद फिर और करना है? फिर हाँ, फिर ढक के रखना है, थोड़ा सा पानी डाल के, वो भी गरम पानी डालना है। हमने इसमें 2-3 बारी तक पानी डालना है, लेकिन गरम डालना है। ठीक है, ठीक है, चलो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक। ठीक है, जिसमें हाँ मैंने पालक का पेस्ट बनाया था ना, हाँ जी, उसी जार में मैंने गरम पानी डाल के एक कटोरी, हाँ ठीक है, वो भी इसी में ऐड कर दूंगी मैं। ठीक है, क्योंकि इसको पकने में भी अभी टाइम जाना है। अब इसको मिक्स कर दोगे? हाँ, अब इसको मैं पूरा मिक्स कर दूंगी। अभी पालक भी तो क्योंकि भुनेगी ना, पालक ने भी तो पकना है, अभी तो पालक कच्ची है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा तरीका देखा था, थोड़ी सी चीनी डाली, ठंडे पानी में रखा पालक एज इट इज, तो इतनी देर में 1 घंटे में तो पालक काली पड़ जाती है बिल्कुल। अब पालक भुनेगी ये कितनी देर तक? फिर प्लेट लगेगी? हाँ, फिर प्लेट ढकना है इसको 10-12 मिनट तक। पालक डालने के बाद कलर देखो कैसा आ रहा है सब्जी का, पहले रेड रेड था, अब पालक पकनी शुरू हो गई, ये देखो। वाह, ऑयल सारा साइड से छूटना शुरू हो गया, सारा पानी सूख जाएगा। और सब्जी को तरी वाली बनानी है अभी तो, खैर मेरे को तो बहुत टाइम अभी लगेगा, और 10-15 मिनट तरी वाली बनानी है, सूखी बनानी है, ये आप पे डिपेंड करता है। गरम पानी उतना डाल दो? गरम पानी बस, तरी लगाने के लिए गरम पानी डालना है, कुछ भी नहीं करना। हाँ जी, अब क्या डाल रहे हैं? मैंने 1 चम्मच भर के गरम मसाला डालूंगी, पालक को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं, गरम मसाला ही पक जाएगा साथ में, भुन जाएगा। अच्छा, गरम मसाला डालने, अब इसको मिक्स भी करना है। इस चीज का सख्त ध्यान रखना है कि सब्जी नीचे ना लगे पतीले के संग, क्योंकि हम पतीले में बना रहे हैं। काजल से मिलके आते हैं, देखते हैं काजल क्या कहाँ चली गई है सब्जी छोड़ के। काजल, इधर से कहा कि सिर्फ अपने व्लॉग लगाया कर, हमारे अपने खुद के व्लॉग।
नेटफ्लिक्स में मूवी अच्छी अच्छी आ रही है, वो देख रही, चेक कर रही थी मैं अभी कौन सी चलाऊं। अच्छा तो आजा बाहर तो आ देख ले। अभी आ रही है, इसको टाइम है, बस अभी 5-10 मिनट और रहेगा, सब्जी रेडी होने वाली है। ठीक है, साथ में क्या बनाएगी? लच्छे पराठे बनाऊंगी। साथ में लच्छे पराठे, वाह बहुत बढ़िया। अगर वो करी वाला तुमने इसको बताना है, हाँ। करी वाला वाला करी लगानी है तो फिर चावल बनाने पड़ेंगे संग, लेकिन हम आज पराठे खाएंगे इसके संग। चलो कोई बात नहीं, पानी सारा सूखने वाला है इसको। अब हमने ग्रेवी, हमने ग्रेवी वाली बनानी, तरी तो नहीं लगानी ना मैंने इसकी ज्यादा। अगर आपने चावल खाने साथ में, तो चावल नहीं, बच्चों ने खाने तो देख लो। नहीं, आज हम पराठे बनाएंगे इसके संग, लच्छे पराठे। लच्छे पराठे तो काफी टाइम से मैंने बनाया भी नहीं है पराठा। अलग हो रहा है, देख हाँ गल गया, ये मटन गल चुका है पूरा, और ये तैयार है हमारा साग पालक मीट। साग पालक मीट, साग वाला मीट कह लो इसको, साग वाला मटन। दो मिनट हम इसको और छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं और ये तैयार हो चुका है, अब इसके ऊपर क्या डालना है वो भी देख लेना। रेडी हो चुकी है, साग वाला मटन रेडी हो चुका है, अब मैं फाइनल टच अप दे रही हूँ। डालेंगे धनिया, ओह वेरी गुड, हरी मिर्च लेके ना, हाँ हाँ, उसको बीच में से कट करके डालना। अच्छा, मैंने गैस को ना प्रॉपर बंद नहीं करा हुआ, बहुत लो पे है, सिम पे, बिल्कुल सिम पे, ठीक है। बेहतरीन आया कलर, मजा आ गया कलर देख के। कसूरी मेथी लेके एक चम्मच क्रश करके ऐसे करके डाल। ये फाइनल टच अप वाला, हाँ जी, ये साग वाला मीट हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी और खाने के लिए तैयार। और आप देख सकते हैं, मतलब अब मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना टेस्टी बना है। बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया है साग वाला मीट, और आप देखो कितना टेस्टी बना है, ये देखो। बहुत टेस्टी बना है, यकीन मानिए, मेहनत बहुत इसमें लगती है। जब आप अपने घर में बनाओगे ना, जब पता लगेगा आपको कितना टेस्टी है ये। अब हम इसका टेस्ट बता नहीं सकते कि आपको कैसा लग रहा है ये, सब होटल में भी नहीं मिलता है ऐसा। हाँ सही बात है। अब मैं इसके संग बनाऊंगी पराठा, और उसके बाद हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो करो। अच्छा। बनता है तो मैंने आपको तरी चखाई दी थी, अब फाइनल जब बन गया तो अब बताओ ना। वाह, ओहो हो, बेहतरीन तरीके से गला गल गया ना। पतीले में टाइम तो लगता है, साग मीट सवा घंटा, मजा आ गया साग मीट देख के। कमाल कर दिया, कमाल। ये देखो साग का कलर कितना अच्छा है, देखिए आउटस्टैंडिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।